रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो है ये डिस्कस करेंगे कि आप लोग जो है इस तरह से अपना CGPA जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ये सिखाया गया था, कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया था कि किस तरह से आप लोग जो है अपना GPA कैलकुलेट कर सकते हैं। CGPA को कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान मेथड है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह GPA को कैलकुलेट करने का है। तो कहीं से भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी पॉइंट जो है मिस ना हो जाए, कोई भी बात जो है आप लोगों से मिस ना हो जाए, क्योंकि ऐसे करने से कहीं ना कहीं आप लोगों को फिर मेथड की कंप्लीट समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स एंड दिस इल्क ऑफ वीडियोज़। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि CGPA क्या होता है, और अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो इसकी भी कंप्लीट वीडियो जो है बनाकर अपलोड की गई है, जिसमें आप लोगों को बताया गया है किस तरह से आपको अपने GPA और CGPA का पता चलेगा। अगर GPA इतना है तो CGPA कितना होगा, तो आप लोगों ने वो वीडियो भी वॉच कर लेनी है ताकि आप लोगों को इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाए। तो CGPA जैसे कि आप लोगों का 2 सेमेस्टर का जो है वो निकाला जाता है। जब आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं 8 सेमेस्टर, तो 8 सेमेस्टर के बाद जो फाइनल आप लोगों का पॉइंट्स में रिज़ल्ट आता है CGPA में, तो वो आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट होता है। उसी की बेस पर नेक्स्ट जो है आप अपनी एजुकेशन जारी रखते हो। अब देख लेते हैं कि इसको हम जो है किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम जो है ना 2 सेमेस्टर का देख लेते हैं कि आप लोगों का 1st और 2nd सेमेस्टर, आप यहाँ पर अगर आप लोगों ने इससे ज़्यादा सेमेस्टर का निकालना है तो आप लोगों ने इसी मेथड को फॉलो करना है। आप लोगों के जो है 1st सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स थे? 5 सब्जेक्ट्स थे, और इनके क्रेडिट आवर जो है हर एक सब्जेक्ट के 3-3 थे। ठीक है, तो टोटल मिला के आप लोगों के पहले सेमेस्टर में क्रेडिट आवर कितने थे? 15। अगले सेमेस्टर में जो है आप लोगों को 6 सब्जेक्ट लगे। ये सिर्फ एक स्पॉज है, और आप लोग जो है ना इसको अपने सब्जेक्ट के रिलेट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ फ़र्ज किया है ना कि इतने सब्जेक्ट्स आप लोगों को लगे हैं। ठीक है, 2nd सेमेस्टर में आप लोगों को 6 सब्जेक्ट लगे हैं, और हर एक सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट आवर है? 3 आवर्स। तो टोटल मिलाकर जो है 2nd सेमेस्टर में आप लोगों ने जो क्रेडिट आवर्स पढ़े हैं वो हैं 18। और 1st सेमेस्टर में जो है, अब आप लोगों का GPA जो है यहाँ पर लिख लेते हैं कि आप लोगों का 1st सेमेस्टर में कितना GPA आया है। तो 1st सेमेस्टर में आप लोगों का अज्यूम कर लेते हैं कि 3.0 जो है वो GPA आया है, और नेक्स्ट सेमेस्टर में 2nd सेमेस्टर में आप लोगों का GPA आया है 3.5। अब यहाँ पर हमने सेमेस्टर्स मेंशन कर दिए, उनके जो है क्रेडिट आवर्स मेंशन कर दिए, और आप लोगों का क्या GPA आया है वो मेंशन कर दिए। अब जो है क्रेडिट आवर जो दोनों सेमेस्टर के हैं, दूसरे सेमेस्टर में 18 हैं, आप लोगों ने इनको प्लस कर देना है 15 प्लस 18। तो टोटल जो आप लोगों ने कुल मिला कर जो है दोनों सेमेस्टर में क्रेडिट आवर्स पड़े हैं वो है 33। स्टूडेंट्स, क्रेडिट आवर्स की जो है वो वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें आप लोगों को कंप्लीट गाइड किया गया है क्रेडिट आवर्स होते क्या हैं, किस तरह से आपका GPA CGPA क्रेडिट आवर्स की वजह से इंक्रीज़ हो सकता है अगर कम है तो। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी वॉच कर लें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि ये टर्म्स होती क्या हैं। जब हमें किसी चीज़ का मालूम हो जाता है, किसी टर्म का, तो हमारे लिए इजी होता है उसको अंडरस्टैंड करना। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब हमने टोटल वेट पॉइंट जो है वो निकालने हैं। वो किस तरह से निकलेंगे? आप लोगों ने क्या करना है कि अपने GPA को जिस सेमेस्टर का GPA है उसकी क्रेडिट आवर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि 15 आप लोगों के पहले सेमेस्टर में क्रेडिट आवर्स थे, और उसमें जो है GPA आप लोगों का आया है 3.0। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। ये हमारे पास क्या है, टोटल वेट पॉइंट। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेमेस्टर का भी इसी तरह से करेंगे कि
आप लोगों ने अपने GPA को अपने क्रेडिट आवर से मल्टीप्लाई कर देना है। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों के क्रेडिट आवर थे 18, उसको आप लोगों ने अपने GPA से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया है वो है 3.5। जब हम 18 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63। यहाँ पर तो ये चीज़ें एज्यूम की गई है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना GPA CGPA अपने क्रेडिट आवर्स को मेंशन करके देख लेना है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को आंस जो है करेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट समझाने की कोशिश की गई है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करने हैं। अब जो हमारे पास टोटल वेट पॉइंट्स आ गए थे वो है 45 और 63। सेमेस्टर वन में जो है 45 और सेमेस्टर टू में 63। अब हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108। अब इतना आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, आई होप सो। तो नेक्स्ट जो है हम फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देते हैं, जिससे जो है आपका CGPA जो है वो फाइंड हो जाएगा। CGPA इज इक्वल टोटल वेट पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट आवर्स। इसका क्या मतलब है कि जितना आप लोगों ने ये GPA को क्रेडिट आवर्स से मल्टीप्लाई किया है, फिर जो है उनको प्लस किया है जो रकमें आई हैं, और जो आप लोगों को फिगर फाइंड आउट हुई है 108, वो क्या है, टोटल वेट पॉइंट, उसको आप ऊपर लिख दोगे, और टोटल क्रेडिट आवर जो आप लोगों ने दोनों सेमेस्टर में मिला कर पढ़े हैं वो कितने थे, 33, तो उसको डिवाइड में ले आओगे 108 डिवाइडेड बाय 33। जब जो है 108 को 33 यानी कि 33 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास जो है वो रकम आ जाएगी 3.27। तो ये जो आए हैं डिजिट्स में नंबर, ये आप लोगों का क्या है, CGPA, यानी कि दो सेमेस्टर का मिला के आप लोगों का जो CGPA आया है वो है 3.27। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग जो है अपना CGPA कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आप लोगों को अपना GPA निकालना आना चाहिए, जैसे कि उसकी वीडियो अपलोड है आप वहाँ से देख सकते हैं उसका तमाम मेथड। तो उसको सीखने के बाद आप जो है CGPA जो है उसको भी सीख लें। इस वीडियो में जो है CGPA के बारे में बताया गया है कि आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सो इस वीडियो से आप लोगों को कंप्लीट क्लैरिटी होगी कि किस तरह से आप लोग जो है अपना CGPA निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको GPA और CGPA का एक तो मालूम नहीं होता, और दूसरी चीज़ उनको ये निकालना नहीं आता कि किस तरह से यूनिवर्सिटी वालों ने हमें ये असाइन कर दिया ना, इसका ये GPA आया है फर्स्ट सेमेस्टर में, इसका सेकंड में ये आया है, और टोटल जो है दो सेमेस्टर में इसका CGPA ये बन के आया है। जैसे कि पहले सेमेस्टर में 3.0 था और दूसरे में 3.5, और जो CGPA निकला है वो है 3.27। कभी कभी CGPA जो है हमारे GPA से ज़्यादा भी हो सकता है और कभी कम भी हो सकता है। ये तमाम तरीका जो है वो आप लोगों को बताया है, ये कैसी ट्रिक है उसके बारे में जो है क्रेडिट आवर्स में आप लोगों को गाइड किया गया है उस वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दें।